तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन सारे शैम्पू में से कौन सा शैम्पू जिसमें केमिकल हमें पाया जाएगा और किसमें केमिकल नहीं होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने में जो रखा हुआ है क्लिनिक प्लस, सनस्लिक और जो हेड एंड शोल्डर है, इन्हें सबसे पहले हम करते हैं साइड। तो अब इन शैम्पू को हमने क्यों किया है साइड? सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने तीन शैम्पू को साइड कर दिया है, जो कि है ये तीनों शैम्पू। इन शैम्पू को हमने इसलिए साइड किया क्योंकि इन शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल पाया जाता है, टॉक्सिक केमिकल, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे बालों के लिए, जो हमारे बालों का हेयर फॉल को इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हमारे हेयर्स में प्रॉब्लम होते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं इनकी, इनको यूज़ करने से। ये सब जो शैम्पू है, इन सब में जो केमिकल लगभग एक ही जैसे केमिकल पाए जाते हैं। बस इन सारे शैम्पू को क्या करते हैं ये लोग कि केमिकल इन्ग्रीडियंट और जो सामान होता है अंदर का शैम्पू, तो सब सेम होता है, बस बाहर की पैकेजिंग, ब्रांड नेम ये सब चेंज करके ये लोग मार्केट पे बेचते रहते हैं, बाकी अंदर से चीज़ सारी एक ही रहती है, ये बाहर से बस नाम हमारे अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हेड एंड शोल्डर को किस लिए बनाया गया है, तो हेड एंड शोल्डर को इसको बनाया गया है हमारे बालों के डैंड्रफ को दूर करने के लिए, हमारे बालों को स्मूथ रखने के लिए है ये वाला हेड एंड शोल्डर। ये जो सनसिल्क है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा केमिकल पाया जाता है, बहुत हार्मफुल केमिकल होते हैं। ये सब शैम्पू जो होती हैं ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, हमारे बजट में आती हैं, लेकिन इसलिए इसको लोग यूज़ करते हैं। एक रुपये के पाउच में भी ये सब शैम्पू अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए डेली यूज़ में कोई भी इसको यूज़ करता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस शैम्पू को यूज़ करने से कितना ज़्यादा हमारे बालों में प्रॉब्लम होता है, हमारे हेयर फॉल कितने ज़्यादा झड़ने मतलब बढ़ जाते हैं, और हमारे बाल धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा रफ़ होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं, उसमें बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं रहती है। जो ये क्लिनिक प्लस शैम्पू है, आपने हर घर में देखा होगा, सारे घर में हर लोग इसको यूज़ करते हैं आज के डेट में। मतलब कि जो बड़े बॉटल नहीं अवेलेबल जिनके पास है, जो नहीं परचेज कर सकते हैं, वो एक रुपये का जो सैसे आता है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये क्लिनिक प्लस शैम्पू। लेकिन क्या इसको यूज़ करना चाहिए अपने बालों के लिए? क्या ये हमारे बालों के लिए ठीक होता है? सो गाइज, ये हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, इन सब में बहुत ही ज़्यादा केमिकल पाया जाता है। हमें अपने बालों के लिए हर्बल शैम्पू का यूज़ करना चाहिए, जिसमें क्या होता है कम से कम एक केमिकल होते हैं जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे हेयर फॉल में, मतलब कि वो हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास चार शैम्पू रखे हुए हर्बल शैम्पू, जैसे कि जिसमें ये जो है केश किंग का शैम्पू, ये आयुर्वेदिक शैम्पू है, और जो ये मुस्टेक कंपनी का शैम्पू, ये हर्बल शैम्पू है। ये जो ममा अर्थ है, ये तो बोलते हैं कि ये बिल्कुल ही नेचुरल है, प्लांट बेस्ड होता है और इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता है, ये तो खुद दावा करता है ये ममा अर्थ का। और जो ये डव शैम्पू है, इसमें भी केमिकल पाया जाता है, लेकिन जो डव के और भी वेरियंट आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होता है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर रखा है ये डेली यूज़ के लिए है, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कम से कम केमिकल डाला गया है, जैसे कि ये डेली साइन के लिए है तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत कम मात्रा में केमिकल है। तो ये जो चार शैम्पू है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि केमिकल तो इन सब में भी है पर बहुत ही कम मात्रा में, जिसको आप यूज़ करने से आपके बालों में इतना प्रॉब्लम, आपके बाल इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। लेकिन जो ये वाले शैम्पू होते हैं, इस टाइप के शैम्पू होते हैं, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, चिक, इस टाइप के जो शैम्पू होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा लेदर क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा झाग झाग होता है। झाग किससे होता है? अगर हम नेचुरल वाला पाउडर वाले शैम्पू यूज़ करते हैं, या फिर जो बिल्कुल ही नेचुरल शैम्पू होता है उसको हम अपने बालों में यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे बालों में ज़्यादा झाग नहीं होता है, लेदर क्रिएट नहीं होता। क्यों नहीं होता? शैम्पू तो वो भी होते हैं, पर उसमें क्यों नहीं ज़्यादा झाग क्यों नहीं क्रिएट होता है? क्योंकि जो हमारे नेचुरल शैम्पू होता है, जो इसमें लेदर क्रिएट करने के लिए, जो फॉर्मिंग जो होता है झाग बनाने के लिए, केमिकल का यूज़ किया जाता है। और जो नेचुरल शैम्पू होता है जिसमें ज़्यादा केमिकल नहीं होता है, उसमें आप नोटिस करिएगा ज़्यादा झाग नहीं होता है। और जो एक शैम्पू होता है वो आयुर का शैम्पू होता है, हर्बल शैम्पू, वो भी शैम्पू अच्छा आता है हमारे बालों के लिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पूज होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अगर आप इन तीनों में से कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं, या फिर लॉरियल या ट्रेसमे टाइप का आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन से उस शैम्पू को यूज़ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे को पता है कि लॉरियल या ट्रेसमे यूज़ करने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा उलझते भी नहीं है और तुरंत सुलझ जाते हैं।
अगर हमारे बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं लॉरियल ट्रस्ट में इस टाइप के शैम्पू यूज़ करने से, तो उसमें कितना ज़्यादा केमिकल होगा जो हमारे बालों को कितना डैमेज कर सकता है, हमारे बालों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अभी जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी कर रहा है, खूबसूरत बना रहा है, आगे चल के फ्यूचर में वो हमारे बालों का क्या हाल करेगा अगर हम उसको रेगुलर यूज़ करते हैं। अगर आपको पार्टी में जाना है या फिर बहुत दिनों पर महीनों में एक बार यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार चलता है। बट उससे आप ये समझ लें कि अगर आप उसको रेगुलर वेज में यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं इन हार्मफुल केमिकल वाले शैम्पू को यूज़ करने से। ये सब जो शैम्पू रखा हुआ है, ये जो केश किंग का शैम्पू है, ये आयुर्वेदिक शैम्पू है, इसमें भी मतलब कि इसमें दिखा रखा है कि इसमें जो इन्ग्रीडियंट लिस्ट है वो बिल्कुल ही मतलब कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल वाला नहीं है। जो ये ममा आर्ट का अनियन शैम्पू है वो भी एकदम नेचुरल शैम्पू है, इससे भी आपको इसमें भी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लेदर क्रिएट नहीं होगा, ज़्यादा फॉर्मिंग नहीं है ये, इसके अंदर भी ज़्यादा झाँक नहीं होगा। पर ये शैम्पू बहुत बेस्ट है आपके बालों के लिए। जो ये डव शैम्पू है ये भी डेली यूज़ के लिए है, तो आप इसको डेली यूज़ ना करके वीक में 2 या 3 बार यूज़ करेंगे, इसके अंदर आपको मिलेगा केमिकल तो फिर भी ये चलेगा। जो ये मुस्टर कंपनी का शैम्पू है ये बॉयज़ के लिए बनाया गया है स्पेशली, ये मेंस के लिए है, इसके अंदर भी हर्बल शैम्पू है तो इसके अंदर भी ज़्यादा केमिकल नहीं है, तो ये भी बेस्ट है आपके बाल के लिए, आपके हेयर्स के लिए। सो गाइस, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ही नेचुरल वाला जो शैम्पू आता है, जैसे कि आयुर का भी शैम्पू अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, और कुछ पाउडर फॉर्म में आते हैं खादी के शैम्पू जो होते हैं, खादी का हर वेरिएंट बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, उसमें भी केमिकल्स नहीं होते हैं, और अगर मान लो होते भी है तो बहुत ही 0% की मात्रा में केमिकल्स उसमें पाए जाते हैं, जिससे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, सिल्की रहते हैं। बस ये है कि आपके बाल को झाँक नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपके बालों में ऑयल है तो आप उसको 2 से 3 बार अपने बालों को वॉश करेंगे तभी, जैसे कि ये जो केमिकल्स वाले आप शैम्पू यूज़ करते हैं और हम कितना भी ऑयल लगाएं हमारे बाल झट से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो नेचुरल वाले जो शैम्पूज होते हैं जिसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होता, उससे अगर आप ऑयलिंग करने के बाद अपने हेड को वॉश करेंगे तो 2 या 3 बार यूज़ करने के बाद ही आपके हेड अच्छे से वॉश होगा। अगर आप चाहें तो बिल्कुल नेचुरल वाला शैम्पू भी अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रीठा, शिकाकाई, आंवला, इन सब का पेस्ट पाउडर बना के आप अपने बालों के लिए शैम्पू बना के यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो 4 शैम्पू है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए। तो होपफुली आप अपने लिए जो भी शैम्पू या कंडीशनर परचेज करें या ऑयल परचेज करें, तो उससे पहले एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर चेक कर लें कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा या तो आप अपने बालों के लिए पाउडर बेस वाला शैम्पू खरीद सकते हैं, या फिर आप ज़रूर से ज़रूर हर्बल या फिर जो आयुर्वेदिक शैम्पू होता है उनको यूज़ करिए, और अगर आप चाहें तो पाउडर वाला जो शैम्पू होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, खादी वाले शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे शैम्पूज बहुत बेस्ट होता है आपके बालों के लिए। तो आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो, यही थी आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी ज़रा से भी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।